मजदूरों के सब्र का बांध टूटा तो पटना भी हिल गया। सियासी गलियारे में बिहार के क्वारंटीन सेंटर की बदहाली की चर्चा की गूंज सुनाई देने लगी। विपक्ष आग बबूला हो गया। क्वारंटीन सेंटर के बहाने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को घेरा। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा, बिहार में क्वारंटीन केंद्रों को यातना शिविर में तब्दील कर दिया गया है। बिहार में क्वारंटाइन सेंटर की जो बदहाल स्थिति है ये आए दिन उजागर हो रही है। आज बाढ़ में जिस तरह से क्वारंटाइन सेंटर में हंगामा हुआ है, कुर्सियां चली हैं, तोड़फोड़ हुआ है, जब क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों को, मजदूरों को खाना ठीक नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, शौचालय साफ नहीं मिलेगा। बिहार में कई क्वारंटीन सेंटर पर हंगामे हुए, कहीं खाने की शिकायत तो कहीं सुरक्षा का टोटा, तो कहीं सरकारी अमले की लापरवाही साफ दिखी। नवादा, बाढ़, बेतिया, मुंगेर, सहरसा, सुपौल, अररिया, कटिहार, बांका, भागलपुर, वैशाली, बेगूसराय, नालंदा और फॉरबिसगंज के क्वारंटीन सेंटर से हंगामे की खबर आई। इस बीच क्वारंटीन सेंटर्स पर अव्यवस्था के मामले में पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांग लिया है। नीतीश सरकार से हाईकोर्ट ने 18 मई तक जानकारी मांगी है, जिस पर 19 मई को सुनवाई होगी। बिहार के क्वारंटीन सेंटर में आई खामियों के बाद नीतीश सरकार ने सभी डीएम को तत्काल व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश दिए। और हमने सरकार ने कलेक्टर्स लोग को बोला है कि इसकी पूरी जानकारी या पूरी जांच की जाए, कुव्यवस्था कहीं ना फैले, इसकी जिम्मेदारी वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन की बनती है। अगर किसी की गलती के कारण हुआ है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। खाने पीने की तमाम सुविधाओं की व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है और इसमें जो भी अधिकारी गलती करते पाए जाएंगे वो नप जाएंगे, क्योंकि अभी के समय में कुव्यवस्था बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। कोरोना के खिलाफ जंग में नीतीश सरकार शुरू दिन से ही लॉकडाउन का पालन करने की बातें कहती रही है, लेकिन जब कई राज्यों में मजदूर आने लगे तो बिहार सरकार पर भी दबाव बना। केंद्र से हरी झंडी मिलने के बाद बिहार भी प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से आने लगे। मजदूरों की भारी संख्या को देखते हुए नीतीश कुमार ने जगह जगह क्वारंटीन सेंटर बनाए। बिहार के क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले लोगों को प्रशासन डिग्निटी किट देकर लगातार स्वागत कर रही है। पुरुषों को मच्छरदानी, गमछी, लुंगी, बाल्टी, कटोरा, साबुन समेत जरूरत के सभी सामान दिए जा रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में यही वो लोग हैं जिनके जरिए बिहार में लड़ाई लड़ी जा रही है। क्वारंटीन सेंटर में बड़ी संख्या में लोग रह रहे हैं। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी जरूरी है और इन लोगों का खास ख्याल रखना भी जरूरी है। लिहाजा सरकारी बाबुओं को ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, वरना कोरोना के संक्रमण काल में अफसरों की लाल फीताशाही बिहार के लिए भारी पड़ सकता है। नीतीश कुमार ने अपने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि क्वारंटाइन केंद्रों पर व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाए, मगर शायद अधिकारियों की लापरवाही की वजह से सरकार की लगातार फजीहत हो रही है। बाढ़ से धर्मेंद्र और कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना।